हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ जी। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। और उनके जो अभी तक के अनुभव हैं, उनका जो रिसर्च है, वो जो अनुभव जब शेयर करते हैं तो हम सब का भी मनोबल के साथ साथ एक नई दिशा मिलती है कि हमें हमारी सरकार को जिस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़, समृद्धशाली छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो भारत को, हिंदुस्तान को जो विकसित भारत बनाने के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा ही नहीं बल्कि जो उनकी जो कल्पना है उसे साकार कैसे कर सकते हैं और 2047 तक हमारा जो देश है, देश में हमारा छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन क्या होगा जी। ये सब जब चर्चाएं हो रही हैं तो हम सब के सामने वो सब दिखाई दे रहा है कि हमें सब अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जो कर सकते हैं जी। वो सभी क्षेत्रों में ये सब काम करने के लिए हमारे पास समय भी है, आज साधन भी है और इस तरफ से तमाम सारे लोगों का जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है उस आधार पे बहुत सारे ज्ञान मिल रहा है। सर, आज सातवें और अंतिम चरण का मतदान है, भाजपा इसे किस तरह देख रही है सर? अब 4 जून को सीधा रिजल्ट आएंगे। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनका जो नेतृत्व रहा, उनके कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व रहा और देश को जिन्होंने जिस ऊंचाई पे पहुंचाने का जो काम किया है जी। देश की जनता फिर से उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाह रही है और जो नारा है निश्चित ही वहां तक हम अचीव करेंगे, पहुंचेंगे। सर, थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल आएगा, इंडिया गठबंधन है उन्होंने पहले एग्जिट पोल में को लेकर डिबेट में बैठने से मना कर दिया था, अब वो डिबेट में बैठने के लिए तैयार है, इसको किस तरह देख रहे हैं? अब देखिए, ये सन के सुल्तान लोग हैं, कब इनके मुखारविंद से क्या निकलेगा, क्या चीज निर्णय करेंगे, क्या चीज। तो प्रतिक्रिया जो है वो लगातार आपने सुनी और हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा जारी रखने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल जो है उसमें 181 सीटें, जी हाँ, कुल देश भर की 543 में से 181 सीटों का अनुमान सामने आ चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ का अनुमान आ गया है, मध्य प्रदेश का आ गया है, उत्तर प्रदेश के पहले 3 फेज का आ गया है, बिहार के पहले 3 फेज का आ गया है और इन सब अनुमानों पर हम जो हैं वो चर्चा भी कर रहे हैं। लगातार खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तस्वीर जरा देख लीजिए, इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीर, ललित। और सीधे मध्य प्रदेश सदन में हम आपको ले आए हैं। मध्य प्रदेश में मेगा एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है, कुल सीट 29 एनडीए के खाते में, 26 से 29, जिस तरह की स्थितियां पहले थी, इंडिया के खाते में 0 से 3 तक इंडिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भी इंडिया फायदे में रहेगा, अगर मध्य प्रदेश में 3 के आंकड़े तक ये जाता है तो भी इंडिया फायदे में रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की ये तस्वीर जो है ये भी तो बता रही है कि एनडीए 26 से 29 तक पहुंच सकता है। तो देखिए, ये आकलन है और आकलन लोगों से बात की, लोगों ने जो बताया हमने उसको ऐसा कि ऐसा सामने रख दिया लोगों के। बिल्कुल, ये बात सही है, जस का तस हमने जो लोगों ने बताया वो जस का तस हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन पुनीत ने कुछ देर पहले आपको पूरी हिस्ट्री बताई थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री आपको बताई थी। मध्य प्रदेश में
सिर्फ एक सीट जो कांग्रेस के पास है, सिर्फ एक सीट, और सारा चुनाव इसके इर्द गिर्द रचा हुआ नजर आया। शून्य से तीन की अगर बात कर ली जाए तो भी 2014 से भी अच्छा परिणाम हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में कुल सीट है 11। मेगा एग्जिट पोल क्या कह रहा है लोगों ने बताया, हमने जस का तस उठाकर आपके सामने रख दिया और बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ छत्तीसगढ़ सदन से क्या स्थितियां बन रही है इस मेगा एग्जिट पोल के बाद। कुल सीट है 11, एनडीए के खाते में 9 से 11, इंडिया के खाते में 0 से 2 सीट, जो स्थितियां इस वक्त वहां पर है। बिल्कुल पिछली बार की तरह ही तस्वीर नजर आ रही, 2019 जैसा कुछ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव अभी अभी संपन्न हुए, आपको याद होगा, और छत्तीसगढ़ में जब उम्मीद की जा रही थी कि फिर से कांग्रेस रिपीट कर जाएगी, लेकिन वहां पर बिल्कुल पलट गई तस्वीर। गुजरात से तस्वीर इस वक्त सामने आ गई। देखिए गुजरात से बड़ी खबर आ रही, गुजरात की 26 सीटों का एग्जिट पोल आ गया है और गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। गुजरात की स्थितियों की बात कर ली जाए, बीजेपी के खाते में सभी सीटें जा सकती हैं। बहुत ज्यादा तस्वीर नहीं बदलेगी, गुजरात में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब गुजरात की तरफ हम मूव कर रहे हैं, गुजरात की 26 सीटों का एग्जिट पोल। और 26 क्या 25 ही कहेंगे, एक तो सूरत की सीट याद भूल गए शायद ललिता, मेरे ख्याल से पहला नतीजा भी अगर उसे माने निर्विरोध निर्वाचन। और याद कीजिए मध्य प्रदेश से सूरत का बड़ा गहरा कनेक्शन है, अक्षय कांति बम ने जो धमाका किया सीधा कंपैरिजन गया कि क्या सूरत जैसी स्थितियां बन रही, हालांकि वैसा नहीं हुआ। अब आपका जनादेश पैक हो चुका है और जो बूथ से बाहर निकल कर आए उन सबसे पूछा गया, उसके हिसाब से ये मेगा एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल गुजरात की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के खाते में सभी सीटें जाती हुई नजर आ, बिल्कुल, और लगे लगे याद आ रहा है मध्य प्रदेश बिल्कुल सटा हुआ है, हमारा मध्य प्रदेश गुजरात से सटा हुआ है और मध्य प्रदेश में इंदौर के साथ खजुराहो भी याद आता है। जो हालांकि अभी एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल अभी नहीं आए और एग्जिट पोल यानी कि नतीजे 4 तारीख को आएंगे, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन गुजरात बीजेपी का गढ़ देखिए, सभी की सभी सीटें बिल्कुल पूरी भगवा हुई नजर आ रही हैं। देखिए 2019 में भी यही कुछ नजर आया और 2024 में क्या यही होने वाला है, ये तो मतदाता ने तय किया है। एग्जिट पोल में जो है वो नजर आएगा, एग्जिट पोल में अभी फिलहाल ये नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र बहुत ज्यादा महाराष्ट्र जो है वो चर्चा में रहा, महाराष्ट्र में क्या होने वाला देखिए बताइए। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर, इंडिया को 15 से 18 सीटों का अनुमान, 48 सीटें कुल यहां पर हैं। अब क्या स्थितियां एग्जिट पोल में नजर आती हैं, महाराष्ट्र में आने के लिए कहीं कोई जगह बनती नजर नहीं आ रही है। 2019 की बात कर ली जाए, 38 सीटें एनडीए के खाते में थी, इंडिया जो इस वक्त इंडिया है तब यूपीए हुआ करता था, 9 सीटें उसके खाते में थी। अब महाराष्ट्र की 48 सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर, एनडीए को 32 से 35 सीट यानी थोड़ा सा नुकसान 19 के मुकाबले। बिल्कुल, और महाराष्ट्र के बारे में ललित ये कहा भी जा रहा था कि उद्धव गुट जो है शिवसेना के 2 गुट हो गए, 1 गुट नाराज चल रहा है, शिंदे गुट से लोग नाराज हैं और ये एक सिंपैथी वोट पड़ सकता है। इसके अलावा पवार गुट को लेकर भी कहा गया कि शरद पवार है, दूसरी तरफ अजीत पवार है तो सिंपैथी वोट पड़ सकता है और वो इंडिया की तरफ भी पड़ सकता है, ये भी कहा गया। राजस्थान की खबर भी निकल कर आ रही है, न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्योंकि राजस्थान का पिछला आंकड़ा हमको याद है, 25 की 25 सीटों का जो है वो हमको हिसाब किताब याद है, 2019 का सारी बीजेपी के पास गई थी, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को क्या खबर है? राजस्थान में बीजेपी को लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस को 207 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है इस मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक, और बीजेपी राजस्थान में आने के लिए कोई जगह नहीं, 2 दलीय व्यवस्था जिस तरह से पुनीत ने आपको समझाया था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। गोवा की बात कर लेते हैं, गोवा की सीटें हैं 2 और गोवा की 2 सीटें क्या बता रही हैं, गोवा की 2 सीटों पर पिछली बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1-1 आंकड़ा था गोवा का, लेकिन बीजेपी को यहां देखिए अभी भी जो अनुमान है ये एग्जिट पोल है और ये कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, गोवा का अनुमान यही कह रहा है, न्यूज 18 का एग्जिट पोल यही कह रहा है। तो मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में स्थितियां लगभग 2019 के तरह 2 सीटों का एग्जिट पोल, 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गोवा की अगर बात कर ली जाए और इस तरह से ये जो जानकारी की टैली है आपके सामने, न्यूज 18 पोल हब, लोकसभा चुनाव 181 से ज्यादा
543 में से 181 के पार हम आपको सीटें बता चुके हैं। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया है, महाराष्ट्र की बात कर ली, गोवा की बात कर ली, दक्षिण भारत के राज्यों की बात कर